थोड़ा सा स्लिप है आज, संभाल के चलाना पड़ेगा, बैट खेल रहा है। सो हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो गाइस हम भी ठीक हैं और अच्छे से हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम निकले बहुत ही खास काम के लिए घर से। खास काम क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले हमारी स्कूटी में हमेशा की तरह फ्यूल कम है, आज बहुत ही कम है। आज नहीं पता पेट्रोल पंप तक हम पहुंच जाएंगे या नहीं, इसीलिए जल्द से हम पहले पेट्रोल डालेंगे फिर आपको बताएंगे। हम अभी इतनी ठंड में निकले तो निकले कहाँ, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आज रात को बहुत ज़्यादा कोहरा लगा था, मैंने नहीं सोचा था हम पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे, बट फाइनली गाइज पेट्रोल पंप आ गई है, अब उतना ज़्यादा दूर नहीं है। देखो ये बंदा एक तो फ़ोन यूज़ कर रहा है, ऊपर से लेफ्ट राइट अचानक से जा रहा है। तो हम पहुंचने वाले हैं पेट्रोल पंप पे, पहले हम अपने साइड मिरर को ठीक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेट्रोल फिलअप करेंगे। अंकल जी क्या कर रहा है? आज पहली बार हमें रेड सिग्नल देखने को नहीं मिला, वरना हम रोज़ कहते रहते हैं रेड सिग्नल, आज पहली बार ग्रीन सिग्नल देखने को मिला। और एक्चुअली अगर आप लोगों ने मेरी कंटिन्यूज़ अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, तो मैंने कहा था कि हमारा एक म्यूज़िक वीडियो आने वाला है, तो हम उसी के सिलसिले में अभी नटीपुरा तक जाएंगे। वहाँ पर हमारा फ्रेंड एक वेट कर रहा है, वहाँ पर अभी हमें मतलब रिकॉर्ड नहीं कराना, बस अभी हमें क्या कराना है, अभी हमें चेक करना है उसमें क्या क्या चाहिए, आवाज़ मतलब कैसी चाहिए, यही चेक कराना है। तो फिलहाल आज हम नज़र देंगे नटीपुरा में कहाँ पर है, वहाँ पर अपना एक फ्रेंड है उसी के पास जाएंगे और देखेंगे अगर हमारी आवाज़ भी अच्छी होगी तो हम अपनी आवाज़ से गा लेंगे, अगर नहीं तो किसी दूसरे बंदे को अरेंज करेंगे जो कि हमारे लिए गाएगा। फिलहाल ये भाई साहब यहाँ पर गाते गाते सड़क को क्रॉस कर रहा है। अब हमें पूरा एड्रेस नहीं पता नटीपुरा में हमें पहुँचना किधर है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे हमें पहुँचना किधर है। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो के चक्कर में हमें निकलना पड़ा, स्कूटी को ज़्यादा तेज़ भगा भी नहीं सकते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड लगती है, आप जनवरी के डेज चल रहे हैं, जनवरी में सबको पता ही होगा हम कश्मीर से हैं, जनवरी में कश्मीर में कितनी ज़्यादा ठंड होगी, हद से ज़्यादा ठंड होती है। चलो जी थोड़ा चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा, मेरा तो कोहरा बन गया ठंड से। अभी इन्हीं जनवरी के डेज मैं साइकिल पे यहाँ से कभी कभार आता था, ज़्यादातर मैं शॉर्टकट रास्ते से आता था जब मैं ट्यूशन पढ़ता था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। साइकिल पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, बस हाथों और चेहरे को थोड़ा बहुत ठंड लगता है, बाकी हम क्लियर रहते हैं उसमें। करेंगे हमें जाना किधर है, फिलहाल यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन पता नहीं क्या है लेकिन पेंटिंग का कुछ चल रहा है। यहाँ पर आगे हमेशा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, पता नहीं आज होगा या नहीं, लेकिन आज नहीं है ट्रैफिक जाम, मतलब रोज़ होता था आज नहीं है। ये बंदा क्या कर रहा है? ओ भाई साहब, तो गाइस फ्रेंड को हमने कॉल कर दिया, उसने बोला तुम आओ वहाँ से, मैं बाहर निकलूँगा, हमें जाना है शायद इस वाले रास्ते से, बोला कुछ स्थान के पास, हमें नहीं पता स्थान है किधर, देखेंगे वो कहाँ पर निकलेगा। मैंने बोला आप बाहर निकलो, हम धीरे धीरे ही चलेंगे। क्या क्या बस देखो बंदा वहाँ पर वेट कर रहा है, और मुझे लगा शायद, देखो इधर है शरीफ सा चेहरा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक। चलो यहाँ पर हम अभी स्कूटी को रखते हैं, हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हमारा काम हो गया, तो हम आए थे अपने म्यूज़िक वीडियो के सिलसिले में इधर, हमने कहा था आप लोगों से हमें एक म्यूज़िक वीडियो ला रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा मशवरा करना है उसका क्या करना है, तो वो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा हमें मतलब करना क्या है। इनसे थोड़ी सी बातचीत की क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मतलब बजट का भी सोचना है, बजट भी होना चाहिए उतना, देखेंगे इस बजट में हमारा हो पाएगा या नहीं। ये ख़राब है, देखो रोड की क्या हालत हुई है, पर मैंने आते समय बोला था हम ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे, फंस भी गए फिर से। देखो ये बंदा हमारे साइड से आ रहा है, को नहीं है सेंस कोई कहाँ से आना है और कहाँ से नहीं। ओ आगे जाके चेकिंग चल रही है, हाँ गाड़ी वालों को रोक रहे थे, हमें लगा हमें रोकेंगे इसीलिए हम यहाँ से निकले, वरना हम उस वाले रास्ते से भी निकल सकते थे। थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ, ऐसा ही हमें करना पड़ता है कंटेंट के चक्कर में, एक छोटी सी थंबनेल मिल जाती पर मज़ा आ जाता हमें, क्या बताऊँ, हालांकि मज़ा आ जाता अगर पकड़ते। फिलहाल हम वाइज़र को डाउन करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर चलेंगे, उतना नहीं,
थोड़ा बहुत, क्योंकि परेपुरा के रोड्स हैं जो उस लोगों को यहाँ पर ज़्यादा आता है। अभी हम वाइट लाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि रेड सिग्नल हो गया और उस भाई साहब ने सिग्नल तोड़ दिया। आते समय हमने बोला था कि जब भी हम सिग्नल पे पहुँचते हैं तब रेड होता है, आज हमें वो मिल भी गया। देखो कुछ लोग मतलब कितने ज़्यादा आगे रुक गए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बहुत ज़्यादा आगे, उन पर तो पक्का चालान होना चाहिए। स्कूटी वाले ने तोड़ दिया सिग्नल। तो बाकी हम क्या करते हैं, बाकी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। बाकी मिलते हैं आप लोगों से और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।